अब हम बात करते हैं कि भाई नवीन लोक प्रशासन का विकास तो 1960 के दशक में होता है, लेकिन नवीन लोक प्रशासन किन किन चरणों से होकर के गुजरता है, वो कौन कौन से मूवमेंट हैं जहां से नवीन लोक प्रशासन उभर करके सामने आता है। तो नवीन लोक प्रशासन के विकास के लिए मुख्य कौन कौन सी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हमने मुख्यतः तो चार चरणों में विभाजित किया है। पहली जो घटना है वो हनी प्रतिवेदन, 1967 में हनी प्रतिवेदन हमें देखने को मिलता है। इससे कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा क्या होता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो दूसरी घटना होती है वो फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है 1967 में, और फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भी कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की कमियों पर चर्चा की जाती है, उसको दुरुस्त करने की बात की जाती है। तो सेकेंड फेज में भी कहीं ना कहीं लोग जो नवीन लोक प्रशासन है उसको एक एज मिलता है कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं 1968 में मुन्नो वृक्ष सम्मेलन होता है, और मुन्नो वृक्ष सम्मेलन ही वो सम्मेलन था जहां से लोग नवीन लोक प्रशासन का क्या होता है, जन्म होता है। मुन्नो वृक्ष सम्मेलन में फ्रैंक मैरनी एंड ड्वाइट वाल्डो की जो पुस्तकें लिखी जाती हैं, टाइम टर्बुलेंस वाली जो पुस्तक उनके द्वारा लिखी जाती है, एंड ड्वाइट वाल्डो के द्वारा भी एक रचना लिखी जाती है, तो उन रचनाओं के बाद कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है। अब हम यहाँ पे बात करें कि भाई ठीक है, हमने 1968 में मुन्नो वृक्ष सम्मेलन की बात करी, लेकिन हम द्वितीय मुन्नो वृक्ष सम्मेलन की भी बात कर रहे हैं। हम द्वितीय मुन्नो वृक्ष सम्मेलन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जहाँ 1968 में हो रहा है, वहीं ये दूसरा जो मुन्नो वृक्ष सम्मेलन है वो 1988 में हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जन्म तो यहाँ पे हो गया नवीन लोक प्रशासन का, लेकिन जो नेक्स्ट जो दूसरा मुन्नो वृक्ष सम्मेलन होता है उसमें भी कुछ और सुधार करने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन की दिशा में। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये मुख्य घटनाएं हैं जिसके तहत कहीं ना कहीं नवीन लोक प्रशासन का हमें क्या होता है, विकास देखने को मिलता है। आप थोड़ा एक एक करके इन घटनाओं को समझ लेते हैं कि भाई 1967 का हनी प्रतिवेदन क्या था और इसने नवीन लोक प्रशासन की दिशा में किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देख लीजिए, ये जो सम्मेलन था ये 1967 का हनी प्रतिवेदन, हम इसको मानते हैं सम्मेलन ना बोले इसको, तो प्रतिवेदन था। प्रतिवेदन का मतलब है कि किसी भी चीज पे अपने कुछ विचार या कुछ रिपोर्ट टाइप की प्रस्तुत करना, तो इस तरीके का एक करिकुलम था जो हम जिसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत व व्यापक बनाने पर बल दिया गया। अब देखो, जब हनी प्रतिवेदन क्या है पहले इसको समझ लीजिए। लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबंधित एक संस्था ने 1966 में सिराक्यू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हनी से लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन करने की संभावना पर बल दिया। देखो, हनी एक प्रोफेसर थे सिराक्यू विश्वविद्यालय में, और इनसे आवेदन किया गया। लोक प्रशासन की कोई संस्था थी, लोक प्रशासन की कोई संस्था का मतलब यह है कि जब 1887 में जब अमेरिका में लोक प्रशासन का प्रादुर्भाव होता है विड्रो विल्सन के लेख से, तो उसके बाद लोक प्रशासन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं अमेरिका में बनाई जाती हैं उसके बाद, और अनेक फीजों में अमेरिका में काम चल रहा होता है। तो उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था थी जो लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी से संबंधित थी। इस सोसाइटी ने रिक्वेस्ट करी जॉन हनी से और बोला कि आप लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार को लेकर के आप क्या करो, इस पे काम करो। तो इस प्रकार की रिक्वेस्ट एक संस्था के द्वारा, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई संस्था अमेरिका में थी, किसके द्वारा की गई, उस संस्था के द्वारा हनी से की गई। जॉन हनी जो सिराक्यू विश्वविद्यालय के क्या थे, वहां पे प्रोफेसर थे, तो उनसे इस तरीके की रिक्वेस्ट की गई। ठीक है, 1967 में हनी ने इसी रिक्वेस्ट को अडॉप्ट करते हुए एक अपना इसी चीज पे जो रिक्वेस्ट उन्होंने की थी अपना एक प्रतिवेदन दिया। ठीक है, अब प्रतिवेदन में क्या था तो इसको आप देख लीजिए। प्रतिवेदन में उन्होंने बोला कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत और व्यापक बनाने की हमें क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो उस प्रतिवेदन में पहली बात क्या करते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत बनाने की वकालत करते हैं। उसके बाद नंबर दूसरे पे इसी प्रतिवेदन में कहते हैं, संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तक प्रशासन की को विस्तृत करने की बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो प्रतिवेदन है उसमें कहीं ना कहीं दो चीजें इनके द्वारा देखने को मिलती है। पहली चीज तो हनी बोलते हैं कि भाई हमें लोक प्रशासन के जो क्षेत्र है उसका हमें ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहिए। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमें लोक प्रशासन का जो एक एरा है उस एरे को हमें सरकार के इन तीन अंगों, कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका तक हमें क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक स्वरूप है उस स्वरूप का विस्तार हमें कार्यपालिका शाखा, न्यायपालिका और विधायिका जैसी शाखाओं तक इसके प्रसार को बढ़ाना चाहिए, इस तरीके की बात करते हैं। जब इस तरीके का प्रतिवेदन ये देते हैं तो फिर लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में ये कुछ और चीजें बोलते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम किन आधारों पर आगे बढ़ा सकते हैं।
तो लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, यानी ये कदम हनी प्रतिवेदन में सुझाए जाते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार के लिए। देखो ये बोल रहा है लोक प्रशासन के क्षेत्र के विस्तार की ये बात करता है ना। लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार का मतलब ये है कि ये कुछ समाधान सुझाता है कि अगर हम कुछ प्रलोभन देंगे या कुछ रणनीतियों रणनीति के हिसाब से काम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस लोक प्रशासन के क्षेत्र को और विकसित कर सकते हैं। तो इसमें ये पहला जो समाधान है या कदम उठाने की बात करता है वो ये है कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी चाहिए, यानी एक लोक सेवा से संबंधित एक राष्ट्रीय आयोग हमें बनाना चाहिए जो लोक प्रशासन से संबंधित मामलों की देखरेख करे और जो इसके लिए रणनीतियां बनाए। देखो यहाँ पे दूसरी बात ये बोलता है जो विद्यार्थी पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे और साथ ही साथ अपने करियर को एक लोक सेवक के रूप में या लोक सेवा के रूप में अपने करियर को का चयन करते हैं तो हमें उन विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा फेलोशिप देनी चाहिए, यानी स्कॉलरशिप देने की बात करता है। क्या कि लोगों का रुझान इसमें ज्यादा बढ़ेगा और फिर लोग क्या करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस क्षेत्र का विस्तार होगा। तो हनी के प्रतिवेदन में या हनी प्रतिवेदन में इस तरीके की बातों को डिजाइन किया जाता है। अब देखो हमने यहाँ पे नॉर्मली हनी प्रतिवेदन में ये बात करी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को और अधिक प्रसारित करने के संदर्भ में हनी के द्वारा भी प्रतिवेदन दिया गया और हनी ने इसके लिए कुछ समाधान प्रस्तुत किए। उसने बोला कि लोगों की हमें ज्यादा से ज्यादा रुचि लोक प्रशासन में बढ़ानी होगी, इसके लिए वो कहीं ना कहीं फेलोशिप जैसी व्यवस्था का क्या करते हैं प्रावधान करते हैं।